हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल इन ग्लैम ब्यूटीज़। तो आप लोगों के तरफ से ना वेलवेट साड़ी की बहुत सारी शिकायतें आ रही थी कि वेलवेट साड़ी को जब हम पहनते हैं तो मोटे लगते हैं, फिगर अच्छी नहीं लगती। तो चलिए ये सारी चीज़ों को कैसे हैंडल करना है ना वो मैं बताती हूँ। तो हर एक साड़ी को जैसे पहनने का तरीका अलग होता है, तो वेलवेट की साड़ी को भी पहनने का एक अलग तरीका होता है। यहाँ पर जो ब्लाउज़ आप देख रहे हो ना, ये इसी साड़ी की ही ब्लाउज़ है, मैंने सिलवाई है। तो आप देख सकते हो सामने की तरफ पान पत्ता वाला डिज़ाइन मैंने डलवाया था और पीछे की तरफ यू शेप रखा था। यहाँ पे मैंने हुक ना तो सामने डलवाया है ना तो पीछे डलवाया है, चेन साइड में मैंने रखा है। अब हमारा हार्ट जिस साइड पे रहता है वो हमारा लेफ्ट हैंड होता है, और जिस साइड पे हमारा हार्ट नहीं होता वो हमारा राइट साइड होता है। तो हमें अपने पल्लू को ना लेफ्ट हैंड की तरफ करना है। आई होप आपका लेफ्ट और राइट हैंड अब क्लियर हो गया होगा। तो जब हम इस साड़ी को टक करते हैं ना, तो हमें इसको पहले टक नहीं करना है, इसको हमें लेकर इसकी कॉर्नर को राइट पे रख कर और हमें एक बार राउंड घूमना है। राउंड घूमने के बाद जहाँ पे ये फैब्रिक मिलती हैं वहाँ पे हमें सिर्फ नॉट बनाने टाइप का हमें फैब्रिक को ना आपस में जोड़ना है। हम अगर नॉट बना देंगे ना तो ये जब टक होंगी तो वहाँ पे फुला फुला सा लगेगा, इसीलिए हमें सिर्फ नॉट बनाने जैसा फैब्रिक को घुमाना है और उसके बाद इसको टक कर देना है। टक करने के बाद यहाँ पे हमारा बेसिक राउंड जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, और इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ेंगे जो कि हमारा पल्लू का पार्ट होगा। पल्लू की पार्ट को हम पीछे से घुमाकर सामने की तरफ ले आएंगे और फिर बॉर्डर जितनी चौड़ी है उतनी चौड़ी हम अपनी यहाँ पे प्लीट बनाएंगे। तो आप देख सकते हो प्लीट बनाने के लिए मैंने ज़्यादा एफर्ट नहीं डाला है, सिर्फ बॉर्डर जो है मेरी ऊपर वाली बॉर्डर उसको मैंने अपनी टमी पे रखा है और अपनी राइट हैंड की उंगलियों का सपोर्ट लेते हुए मैं यहाँ पे फैब्रिक को बॉर्डर जितनी चौड़ी रख रही हूँ। अब प्लीट एक बार बन जाने के बाद हमें यहाँ पे उनकी थोड़ी थोड़ी सी लेंथ को ना गैदर भी करना है। तो अगर गैदर करते वक्त आप कोशिश कीजिए कि बॉर्डर जितनी चौड़ी है ना उतनी चौड़ाई से प्लीट अगर अरेंज हो पा रही है तो आप उसको उसी तरीके से अरेंज करने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पे क्योंकि साड़ी वेलवेट की है तो पिन भाई कैसे लगेगी, तो पिन क्यों नहीं लगेगी। यहाँ पे हमें क्या करना है ना, पहले तो इसकी चौड़ाई के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे जगह देखना है कि पिन कहाँ लगाना है। एक बार इसको फिक्स कर लेने के बाद हमें अपने ब्लाउज़ को और अपनी प्लीट्स को साथ में पकड़ना है और पिन को यहाँ पे एक बार अंदर की तरफ हमें पुश करना है। जब पिन बाहर निकल जाए तो उसको हमें वापस यू टर्न मारकर और फिर यहाँ पे बाहर निकालना है पिन को, एंड देन पिन को हमें लॉक कर देना है। तो लग गई आसानी से पिन। अब इसके बाद हमारा जो दूसरा वाला बॉर्डर ये है ना, इसको हमें थोड़ा सा टाइट करते हुए ले जाना है पीछे की तरफ से और कमर के पास हमें लेकर आना है थोड़ा सा टाइटली। आप जो बोलते हो ना फिगर हमारी अच्छी नहीं लगती वेलवेट की साड़ी में, तो आप चिंता मत कीजिए, आप एक पिन ले लीजिए और उस पिन में ना कागज़ के टुकड़े को चार बार फोल्ड करके उसमें इंसर्ट कर दीजिए। इंसर्ट करने के बाद फैब्रिक को आपको कुछ इस तरीके से नेवल को क्रॉस करते हुए लाना है और यहाँ पे पिन को आपको सुई की तरह से चलाते हुए फैब्रिक के पीछे से लाना है। मीन्स मतलब मैं साड़ी के उल्टे साइड पे पिन चला रही हूँ और फिर पिन को पकड़कर आप हल्का सा ट्विस्ट कर दीजिए। देखिए कमर के पास अगर आपकी प्लीट बनेगी ना काफ़ी मोटी मोटी, तो आपका ऑलरेडी कमर वाला जो पार्ट रहेगा वो प्लीट से भले अट्रैक्टिव लगे लेकिन वहाँ पे ना वो मोटा लगेगा फैब्रिक, इसलिए जो लाइंस बन रही हैं केवल आप लाइंस ही बनाइए। और ट्विस्ट करने के बाद जब ये लाइंस दिखने लग जाती हैं तो फिर हमें पिन को अपनी पेटीकोट के साथ, ठीक है ध्यान रखिएगा, पिन को पेटीकोट के साथ हमें यहाँ पे सिक्योर करना है। अब पेटीकोट मैंने यहाँ पे ले रखी है शेपवियर वाली, तो ये मुझे यहाँ पे काफ़ी फ़ायदे वाली है। अगर मैं बैठूंगी उठूंगी तो पिन जो है वो ज़्यादा खिंचाव नहीं पड़ेगा, वैसे भी पेटीकोट थोड़ी सी इलास्टिक वाली है तो वो केवल खींचेगी, ठीक है वो फटेगी नहीं क्योंकि इलास्टिक वाली पेटीकोट
पहनने का यही फ़ायदा रहता है कि आप पिन से अपने कमर वाला प्लीट सिक्योर कर सकते हो। ये ना तो ज़्यादा ढीला होगा ना ही ज़्यादा टाइट होगा। अब हमें यहाँ पे ना चौड़े चौड़े प्लीट्स बनाने होंगे। मैं फिर से बोलूँगी, सेंटर प्लीट आप चौड़े चौड़े बनाइए, क्योंकि पतली पतली अगर आप बनाओगे तो उसको टक करने टाइम ना वो आपके पेट के पास फूला फूला दिखेगा। तो आप चाहे 3 प्लीट बनाइए, 4 प्लीट बनाइए, 5 प्लीट बनाइए, लेकिन चौड़ी रखनी है। अब इसको हमें अपनी नेवल के पास टक कर देना है। तो जैसे फैब्रिक आप टक करते हो ना, ध्यान रखना आप कि वो अंदर की तरफ अच्छे से टक हो जाए। ऐसा ना हो कि अंदर की तरफ जाकर वो सिकुड़ जाए या मुड़ जाए, तो वो और भी ज़्यादा भद्दा लगेगा। अब सामने की तरफ हम सभी प्लीटों को लेकर एक जो साड़ी वाली पिन आती है वो लगा देंगे, ताकि इसका जो लुक है वो और बढ़ जाए। एंड देन दिस इज़ अ फाइनल लुक। तब आप समझ गए होगे ना कि कैसे वेलवेट की साड़ी पहननी है। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक के बटन को आप हिट कर सकते हो। मैं मिलती हूँ अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड